पंजाब ड्रग तस्करी के मामले में ईडी अधिकारी निरंजन सिंह ने दावा किया है कि वे मामले की छानबीन के अंतिम चरण में हैं और वे मामले को अगले 6 महीने में सुलझा देंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारी निरंजन सिंह के तबादले पर रोक को अगली सुनवाई तक जारी रखा है। मामले की सुनवाई 1 घंटे के करीब चली, जिसमें कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया से पूछताछ के बाद निरंजन सिंह के तबादले के आदेशों का मसला भी उठा कि पूछताछ के बाद भी तबादले के आदेश क्यों जारी हुए, जिसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग तस्करी से जुड़ी सारी जानकारी पूछताछ और निचली अदालत में चल रहे मामले से जुड़ी जानकारी को अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में दाखिल करने के आदेश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। तो आज जो बेंच ने सारा रिकॉर्ड मंगवाया था ईडी से कि अब तक क्या क्या आपने किया है, तो ईडी ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। निरंजन सिंह से भी पूछा गया कि आपको कितना समय और चाहिए, और निरंजन सिंह उन्होंने कहा कि मुझे 6 मंथ्स चाहिए, मैं ये सारी जो तफ्तीश है वो कंप्लीट कर दूंगा। तो कोर्ट ये जानना चाहती थी कि जो बिक्रमजीत सिंह मजीठिया की क्वेश्चनिंग हुई है उसका रिकॉर्ड भी हमारे सामने पेश करो, तो उसका रिकॉर्ड भी सारा उन्होंने कोर्ट ने मंगा लिया है। जो लोग जो इंटेरोगेट किए गए या क्वेश्चन किए गए ईडी से, वो सारे जो है उनकी क्वेश्चनिंग अब हाईकोर्ट के आगे पेश की जाएगी। अगली डेट जो है 30 डाली है उन्होंने, सारा रिकॉर्ड बाकी पेश किया जाएगा। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।